सिड ये पेपर्स फाइल कर देना और हाँ वो रिपोर्टर सरीन से भी जरूर बात कर लेना. उसके पास रस्तोगी मर्डर केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है. क्या हुआ, कुछ कहना है? वो रस्तोगी मर्डर केस नंदनी हैंडल कर रही थी. कर रही थी पर अब से तुम करोगे. शी वाज जस्ट एन इंटर्न सिड. ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस नहीं आएगी तो काम नहीं होगा. पर मम्मा सिड, मुझे पता है कि तुम उसके बहुत क्लोज थे. आई मीन एज अ फ्रेंड तुम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो लड़की उस इंसान की पोती है जो हमसे नफरत करता है और उन्हें शायद खुद नहीं पता कि वो कब तक करते रहेंगे. इसलिए मैं समझा रही हूँ कि उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचो, फिकर मत करो. She'll be all right. Okay? क्या करूं, कितनी बार फोन ट्राई करूं, उसका फोन नहीं लग रहा है. एक बार फिर से ट्राई करता हूं. फोन स्विच ऑफ. डैम. नंदनी कैसी हो तुम? सिड हाय. मैं काफी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो रहा है. तुम ठीक हो ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं. मुझे अब इस कमरे से बाहर निकलने की परमिशन भी नहीं है. दादाजी बहुत गुस्से में है और तो और मेरा फोन भी छीन लिया है. जैसे तैसे इस लैपटॉप से कनेक्ट हुई हूँ, वो भी कभी भी बंद हो जाएगा क्योंकि इसका चार्जर इस रूम में नहीं है. आई थिंक अब ये मेरा लास्ट कॉल है तुम्हें. नहीं नहीं ऐसे ऐसे मत कहो. अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ. देखो मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ.